सीधा रुख करेंगे इंदौर की तरफ। तो इंदौर से हमारे संवाददाता हेमंत नागले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, आज क्या क्या खबरें दिन भर जिले में सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं? जी, सबसे बड़ी खबर यह है कि सीबीआई ने सुबह इंदौर के लसूड़िया थाना स्थित इस बसंत विहार कॉलोनी पर छापामार कार्रवाई की। इस वक्त TV24 की टीम यहीं पर मौजूद है और बसंत विहार कॉलोनी के इसी मकान पर सीबीआई के लगभग 6 से अधिक अधिकारी थे, वह यहां पहुंचे थे, जहां पर ओम प्रकाश व्यास, जो कि एक रिटायर बैंक के अधिकारी बताए जा रहे हैं, उनके घर पर यह छापामार कार्रवाई की है। सीबीआई के जो अधिकारी है अंदर है, लगातार जो है वह पूछताछ की जा रही है, दरवाजे बंद करके के पूछताछ की जा रही है, क्योंकि महिला थी, इस कारण से मीडिया को किसी तरह से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सीबीआई के सभी अधिकारी जो वो घर के अंदर मौजूद है, सुबह लगभग 7 और 8 बजे के बीच सबसे पहले सीबीआई के अधिकारी यहां पहुंचे थे, और अधिकारी यहां पहुंचने के बाद जहां वह थाने पर गए थे, थाने के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर इसके लिए तारे सोनी से जब हमारी बात हुई थी, तो थाना प्रभारी तारे सोनी ने यह कन्फर्म किया था कि सीबीआई के अधिकारी यहाँ पर आए थे और उन्होंने एक टीम मांगी थी, जिसमें यहाँ पर महिला आरक्षकों की टीम के साथ कुछ पुलिस अधिकारी यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर कार्रवाई की। जो ओम प्रकाश व्यास की बात की जा रही है, जो रिटायर बैंक अधिकारी बताए जा रहे हैं, वह अभी घर में मौजूद नहीं है और उनके इसी निवास पर यह सीबीआई की जो टीम है वह पहुंची थी सुबह, और लगातार कार्रवाई की जा रही है। कारण क्या है कि पूरी जानकारी को दे रहा है, लेकिन सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची है और लगातार वह कार्रवाई की जा रही है। जी हेमंत, मौसम को लेकर क्या अपडेट्स सामने आ रहे हैं? खबरों में जहां इंदौर का जो मौसम की बात की जाए, तो इंदौर का मौसम जो था वह एक अलग ही रूप ले रहा है। लगातार मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों तक यहाँ गर्मी बताई जाएंगी और उसके बाद कुछ जगह पर बारिश हो सकती है। और बात की जाए अगर इंदौर के अन्य खबरों की, तो अपराध जगत में जो मौलाना ने विवादित बयान दिया था, उसमें चंदन नगर पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इंदौर की इस वक्त की सबसे बड़ी यही है कि इंदौर में सीबीआई की रेड हुई और सीबीआई के अधिकारी इंदौर में कार्रवाई कर रहे हैं। शायद तक कुछ समय बाद वह प्रेस रिलीज जारी करके जानकारी देंगे, लेकिन पूरे इंदौर की सबसे बड़ी खबर यह कि सीबीआई टीम ने यहां पर रेड दी है। जी हेमंत, एक खबर सामने आ रही है जिसमें चर्च में हनुमान चालीसा के प्रति को फाड़ा गया है, इसको लेकर क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी, हीरानगर क्षेत्र का वह मामला है जहां पर हनुमान चालीसा कुछ लोगों द्वारा फाड़ दी गई थी, जिसमें एक फरियादी द्वारा जब पता पूछा गया था, तो शायद तक वह हीरानगर थाना क्षेत्र से किसी ईसा मंदिर की जगह पूछ रहे थे, जहां पर 12 से 13 लोग वहां आए थे और वह वहां काम करने के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही वह काम करने आए थे तो उन्होंने जब अंदर जाके देखा तो मैथ्यूस नामक एक व्यक्ति द्वारा यह जो हनुमान चालीसा को फाड़ा गया था, जिसके बाद वह कार्रवाई की थी और कार्रवाई के बाद अब 11 से 12 लोगों के खिलाफ वह कार्रवाई की गई है। जी हेमंत, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।